मत कौन बताने रब्याने की रब्याने जयकारे से नानक जी बोले सोनिहाल। तो दोस्तों ये हमारे हेड साहब हैं यहाँ के, जैसे हमारे साइड पंडित जी होते हैं वैसे गुरुद्वारे के ये हेड जी हैं। तो आज इनसे बातें करेंगे थोड़ा बहुत। तो सर मतलब यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, एक दिन पूरा सुबह आए थे हम और यहाँ पे हमने छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी। हम यहाँ पे मेन जो गुरुद्वारा है वहाँ गए थे नानक भट्टा साहिब पे, उसके बाद अभी यहाँ पे जो कुआ है वहाँ है। तो आप हमारे लोगों को कैसे और प्रोत्साहित कर सकते हैं यहाँ पे कि मतलब वो आए और यहाँ पे जी? देखो सब ये जो है अपना स्थान जहाँ खड़े स्टम, ये पावन स्थान दुधवाला खूह करके प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध ये गुरुद्वारा जो है। तो यहाँ का ये इतिहास है कि तीसरी सदी में गुरु नानक देव जी आए थे यहाँ पे, हिंदी में चलेगा हाँ चलेगा। तो यहाँ पे आके तो भाई मर्दाना जी थे, तो उन्होंने कहा भी महाराज मेरे को भूख लगी है कुछ खाने को दो। तो यहाँ पे जब थे तो उनका वास था सिद्धों का गोरखनाथ जी, तो उनके पास महाराज ने भेजा मर्दाना जी को भी जाओ उनसे कुछ खाने को ले आओ। उन्होंने कहा भी तुम्हारा, जब उन्होंने जाके विनती करी भाई मर्दाना जी ने, तो उन्होंने कहा भी तुम्हारे जो इतने बड़े समर्थ गुरु हैं तो वो आपको क्यों नहीं दे सकते खाने को, उनसे कहो। जी भाई मर्दाना जी आ गए वापस, तो उन्होंने फिर महाराज जी से कहा भी वो ऐसे से कह रहे हैं। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, वो दूसरी बार फिर गए, फिर उन्होंने वही जवाब दिया। तो महाराज ने कहा ये जो कुआं है मर्दाना जी आप जाओ यहाँ से जग भर के दूध का ले आओ। तो वो जब गए तो जो जल था वो सारा दूध बन गया, पूरा कुआं ही दूध का पूरा। तब आके जो दूध लिया तो फिर आप छका दो, महाराज ने कहा सबको छकाओ, फिर वो लंगर चला दूध का सब कुछ खाया। तो जैसे जैसे कहते हैं यहाँ पे इतनी मतलब वो है शक्ति है, मतलब कि यहाँ पे जो स्नान करता है जल से तो उसके सारे शरीर के रोग दुख सब कट जाते हैं। और घास होती है तो पुत्र की दात करती है बच्चे की। तो उसके बाद ये यहाँ का इतिहास हुआ और दूर दूर से लोग आते हैं मत्था टेकने। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ये, पहले पातशाह जी का यहाँ पे। और यहाँ पे मैं दास सेवा निभा रहा हूँ ग्रंथी सिंह की, और जो ये सेवा चल रही है जत्थेदार बाबा प्रसेन सिंह जी, दिल्ली वाले बाबा बच्चन सिंह जी, उनकी सेवा है। ये हमारे मैनेजर साहब सदा मारा है और मैं महेंद्र सिंह जी सेवा संभाल जी। तो ये इतिहास था यहाँ का। यहाँ पे जो भी आदमी मनो मन से जो भी मांगता है यहाँ वो प्राप्त होता है, अरदास होती है, दूध और फूल मिलता है। बहुत बहुत दूर से संगत आती है यहाँ, विश्व से बहुत दूर से। पहले लोग कम आते थे, अब लोगों को जानकारी हो गई है दूध वाले कुएं की, अब हर आदमी यहाँ आ रहे हैं। ज्यादातर इस टाइम हिंदू ही आ रहे हैं बाहर से, उनको पता नहीं था इस जगह का, अब पता चला। तो दूध का कुआं आना ना भूले कभी भी, आप हमारे इधर जरूर दर्शन कीजिए, बिल्कुल जरूर दर्शन करें। लंगर की व्यवस्था सब कुछ है और ये सर हमारे आर्मी रिटायर्ड है, देखिए जवान लग रहे हैं, उनको रिटायरमेंट बड़ी जल्दी मिलने से आगे। ठीक है सर, भाई खाल साहब, भाई गुरु जी फतेह सोनी हां है सब हमारे बाबा जी का, यहाँ देखभाल जितनी है बाबा जी की। धन्यवाद।